हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज आपने जैसा कि नीचे टाइटल पढ़ा होगा वीडियो में, तो आज हम करने जा रहे हैं फुल डे ऑफ ईटिंग। तो गाइस, सबसे पहले बात तो आप मेरे बाल देख सकते हैं, बताइए तो कैसे लग रहे हैं, यहाँ से क्लीन कट एकदम। तो आज का डे जो है, आज का काफ़ी स्पेशल डे है। ऐसे भी आज जो है टीचर्स डे है। तो हाँ, वैसे मेरे को तो कुछ नहीं करना है फिलहाल टीचर्स डे पे, पर तो मैं अपना आज फुल डे ऑफ ईटिंग दिखाने की कोशिश करूँगा गाइस। तो आप बने रहिए और देखिए कैसे जो है बॉडी बिल्डिंग जो है डाइट पूरी होती है मेरी, जो पूरे दिन आपको जो है एनर्जी देगा उसके लिए हम डाइट लेंगे। एंड थोड़ा वेट गेन कर रहा हूँ मैं, वो भी आपको दिखाऊँगा। तो आज वीडियो में बने रहिए एंड पूरे लास्ट तक मेरे साथ चलते रहिए, मैं आपको फुल डे ऑफ ईटिंग दिखाता हूँ। एंड साथ ही आपको मैं जो है अपनी पूरी रूटीन दिखाऊंगा डे का, कि मैं क्या करता हूँ सुबह से लेकर शाम तक का। एंड अगर आप पहली बार आए हो वीडियो में तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड आपको अगर कुछ अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए चलते हैं। तो गाइस, इस टाइम पे जो है 6:30 बज रहे हैं। एंड ये मेरे पास एक पानी का बोतल है, 0.8 लीटर का है ये। एंड साथ ही मॉर्निंग में मैंने रात को स्पेशली उठ के जो है मैंने चने भिगोए थे, तो ये कुछ 100 ग्राम्स के करीब जो है मेरे पास चने हैं। तो मैंने इसको भिगोए थे रात को, इसको अभी मॉर्निंग में खाएंगे। एंड हम मॉर्निंग रूटीन अपना आज अभी स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहला जो है अपना होगा रनिंग। तो जल्दी से जल्दी इसको खाते हैं जितनी जल्दी हो सके। तो मिलता हूँ आपको वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में। इन्हें भी गाइस मैं एक चने खिला देता हूँ, शायद ये ना खाएं। तो गाइस, आज तो बहुत लेट हो चुका हूँ मैं, 10 मिनट में अगले जो है धूप निकल जाएगी। तो जल्दी से जल्दी जो है अपनी पोजीशन पे, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच के वापस आना पड़ेगा रनिंग करके। तो चलते हैं गाइस, थोड़ी सी वॉक, थोड़ा सा रनिंग करते हैं। एंड मिलता हूँ पार्क में आपको। तो गाइस, 7 बज चुके हैं, थोड़ी बहुत रनिंग हुई, थोड़ी बहुत वीडियो बन रहा था तो स्ट्रेचिंग एंड वार्म अप किया, वीडियो बन रहा था गाइस इसलिए किया, वरना शायद नहीं करता। तो अब चलते हैं घर की तरफ एंड भाग के जाएंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है। 7 बज चुके हैं, 7:30 बजे तक अगर मैं रहा तो वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, एंड साथ में धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। तो धूप से नहीं लड़ना हमने, ठीक है, धूप से कोई लड़के कौन जीतता है। तो गाइस घर आ चुका हूँ, पीछे देखिए एंड्रू भाई। एंड अब जो है मॉर्निंग का पहला जो है ब्रेकफास्ट, वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। तो ये गाइस ब्रेकफास्ट, ये है मुगलाई, पता नहीं मैंने फर्स्ट टाइम खाया, ऐसे ऑयली चीज़ है, बट घर पे बना हुआ है तो खा सकते हैं। और ये साथ में ये जो है ऑनियन है, ये थोड़ा अपना चने की कह सकते हैं एक तरह की जो है सब्जी बनाई है। एंड साथ में जो है ये सॉस है, तो खाएंगे मस्त अभी इसको। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट थोड़ी हैवी है, बट अपना जो है थोड़ा बल्क
बॉइल करने के लिए काम आएगा। एग से बना हुआ मुगलाई है, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा बहुत अंदर कैसा है। ऐसे फर्स्ट टाइम मैंने लिखा है तो ये इसके अंदर जो है एग एंड पीनट देख सकते हैं, पीनट दिख रहा है, ये एग और पीनट से फिल किया हुआ एक तरह से मैदे का है वैसे। तो ये हमारे पास सॉस पड़ा है, मैं वैसे सब्जी में भी थोड़ा डाल दूंगा एंड थोड़ा बहुत, तो मस्त खाएंगे एंड सी यू गाइस एंड बहुत टेस्टी है मैं पहले बता दूँ आपको। तो आप बना सकते हैं, कभी रेसिपी दे दूंगा, वैसे ऑनलाइन मिल जाएगा। हेलो गाइस, तो दोपहर का समय है और आज एक और रूटीन में एक और काम जो है रूटीन में ऐड हो चुका है, वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या काम है। तो फिलहाल मैं, जैसा आप देख सकते हैं, इसका पानी कितना कम है, मैं वाटर चेंज कर रहा हूँ अपने एक्वेरियम का। तो मैंने लगभग आधा जो है, आधे से ज़्यादा कह सकते हैं, पानी जो है वो निकाल दिया है एंड फिशेस जो हैं अभी थोड़े से अनकंफर्टेबल हैं, इधर उधर घूम रहे हैं तेज़ी से, देख सकते हैं आप। पानी कम हो गया है तो अभी मैं जब दोबारा इसको भरता हूँ एंड फिर ये सारे जो है नॉर्मल हो जाएंगे दोबारा। तो गाइस अब 3 घंटे बचे हैं, 3 घंटे बाद जो है जिम जाना है, और मेरे से अभी से ही जो है इंतज़ार नहीं हो रहा, पर इंतज़ार करना पड़ेगा। एंड जो है अभी जो है मील बनाता हूँ आपको, प्री वर्कआउट मील दिखाता हूँ अपना, एंड साथ ही जो है एक और मैं सप्लीमेंट दिखाता हूँ आपको जो मैं अभी फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ। तो गाइस ये वो प्रोडक्ट है, देखिए ये है, जैसे जिनको जो इस फील्ड में है फिटनेस के उनके नॉलेज होगा, ये है कैरेटिन मोनोहाइड्रेट। एंड इसकी MRP देखेगा इस, ये रही कितनी है, 1200, इतनी तो नहीं है, 500 से 600 रुपये के करीब है गाइज इसकी कीमत, मतलब हाफ है जितनी MRP दी है उसकी। तो ये जो है 83 सर्विंग्स का है, मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऐसे कोई इसकी प्रमोशन नहीं है, आप कोई भी कैरेटिन ले सकते हैं, मैं इसकी कोई ख़ास प्रमोशन नहीं कर रहा, ये थोड़ा सस्ता है असाइलम वालों का तो मैंने इसलिए मंगाया था। तो गाइज बता दूँ ये एकदम जो है कैरेटीन जो है नेचुरल सप्लीमेंट है, तो इसको मैं आपको फिर पर्टिकुलर किसी टाइम पे मैं आपको बनाना इसके बारे में बता दूंगा डिटेल में कि ये कैसा है, आप कमेंट करिए नीचे। फिलहाल मैं आपको इसको यूज़ करना दिखाता हूँ कैसे यूज़ करते हैं। तो ये गाइस इसकी 3 ग्राम्स की सर्विंग है, ये 3 ग्राम्स का है, तो इसको बस आपको कुछ नहीं करना, जितना मर्जी पानी लीजिए उसमें जो है इसको ऐड कर दीजिए। तो अभी मैं 3 ग्राम्स पे हूँ, 3 ग्राम्स ले सकते हैं डेज का। तो ये मैं आपको पर्टिकुलरली फिर किसी दिन किसी बढ़िया से वीडियो में मैं बता दूंगा इसका क्या यूज़ है एंड क्या काम आता है। तो अब बाकी आपको इंटरनेट पर भी बहुत मिल जाएंगे इस पर वीडियोज़, तो आप देख सकते हैं। तो ये भी मेरी एक पूरी रूटीन में, अभी मैं कुछ टाइम से इसको यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने इसलिए इसको वीडियो में ऐड कर दिया। तो इसको डालते हैं उसमें एंड चलते हैं आगे। तो आप गाइस देख सकते हैं ये प्रॉपरली जो है मिक्स हो जाता है एकदम, ठीक है आपको, मैं इसमें बस 3 ग्राम्स मिला है। एंड आपको बता दूँ गाइस इसका कुछ, वैसे मैं इन शॉर्ट बता दूँ तो कैरेटीन जो है एक कह सकते हैं नेचुरल सप्लीमेंट है जो हमारी बॉडी में भी बनता रहता है, बट जो नॉन वेज ज़्यादा खाते हैं चिकन वगैरह तो उनको जो है उनकी बॉडी में जो है एक्स्ट्रा बनता है। जैसे तभी बाहर लोग जो ज़्यादा नॉन वेज खाते हैं अपने इंडिया में, तो मंगलवार नहीं खाना, ये नहीं खाना ना, तो वो नॉन वेज जो खाने की वजह से जो मतलब एनर्जी मिलती है, वो अगर आप कैरेटीन खाएं तो आपको थोड़ी एक इंस्टेंट जो है एनर्जी मिल सकती है जब आप मतलब वर्कआउट करें। तो ये नेचुरल है, अगर आप नॉन वेज खा सकते हैं तो बढ़िया है, आपको लेने की ज़रूरत ही नहीं है कोई, और अगर आप नहीं खा सकते मेरी तरह तो फिर आप कैरेटीन ट्राई कर सकते हैं। एंड मैं बता दूं कुछ 2 से 3 रैप तो आपके ज़रूर, जब आप हैवी लगाएंगे तो आपको फील होगा कि कुछ तो अलग से एक स्ट्रेंथ आ रही है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा नहीं है कि इसकी आपको आदत पड़ जाएगी, ये नॉर्मल है। और ये किसकी सबसे अच्छी बात है, जब आप कैरेटीन पीते हैं ना तो ऑटोमेटिकली आपका वाटर इनटेक बढ़ जाता है, मतलब आपको ज़्यादा प्यास लगती है। तो अगर मैं ये पीता हूँ तो ऑटोमेटिकली मैं जो है ये 0.8 लीटर का है तो मैं तीन से चार बोतल जो है पूरे दिन का मैं पी जाता हूँ पानी। तो वाटर इंटेक वैसे भी आपको पता है नेचुरली इतनी गर्मी है
तो कितना अच्छा इम्पोर्टेंट है। तो मैं इसी वजह से जो है इसका लेता हूँ, क्योंकि वाटर इनटेक इसके चक्कर में मैं वाटर इनटेक अच्छा रख लेता हूँ। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट डाइट में। होप आपको अच्छा लग रहा हो, और अच्छा लग रहा है तो ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तुम कहाँ चढ़ रखे हो, नीचे उतरो, वीडियो में आ रहा है। इतने दुखी क्यों हो तुम? अब विराट सुनाएगा सही फॉर्म में। चलो बढ़िया, ऐसे गाते देखो, तेरी मिट्टी में मिल जाए गिल खड़की। विराट 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 भैया, मैंने तो सुना दिया दो बार। सही से सुना दो गाना, अब पता ही नहीं चला। वो सुना दे। तो गाइस टीचर्स डे है आज, पढ़ नहीं रही है। तो मैं बोला कुछ एंटरटेनिंग करो, गाने वगैरह सुनाओ। हाँ चलो। परफॉर्म करके दिखा दो, आज तो डांस का भी मौका है। प्रतीक आएगा अब। प्रतीक क्लैपिंग। प्रतीक तुम्हें क्या आता है, कुछ भी अच्छा सा बढ़िया सा दिखा दो जल्दी। चलो शाबाश, क्लैपिंग, उसके कॉन्फिडेंस के लिए क्लैपिंग। वो बाकियों की तरह हंसा नहीं, ठीक है।